अलवर के थानागाजी में गैंगरेप मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के उपाध्यक्ष, प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साथ ही पुलिस अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर विशेष तौर पर चर्चाएं की। मीडिया से बातचीत में भी मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि पुलिस कार्यशैली की जाँच संभागीय आयुक्त और साथ ही डीआईजी जोस मोहन करेंगे और साथ ही राज्य सरकार पीड़ितों को नियमानुसार सहायता और योग्यता के हिसाब से नौकरी देने पर भी विचार कर रही है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष एल मॉर्गन ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ अवश्य सख्त कार्रवाई होगी। आज नेशनल एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन थाना गाजी पधारे और उन्होंने विक्टिम के घर जाकर उनसे चर्चा की, मुलाकात की और फिर एक बैठक यहाँ अधिकारियों के साथ ली। इस सारे प्रकरण में पुलिस की जो भी भूमिका रही, एक तो जो विक्टिम है वो आज आकर के चेयरमैन साहब को मिले और उन्होंने कार्रवाई जो पुलिस ने की उस पर अपना संतोष जाहिर किया और कुछ मांगे भी रखी कि जल्दी चालान हो, ट्रायल हो, इनको सज़ा गंभीरतम मिले और उन्होंने अपने लिए नौकरी की भी कमीशन